भ्रम की राजनीति हर कौन करता मोदी है, जी ये देश देख रहा है, ये देश देख रहा है कि भ्रम की राजनीति कौन करता है। बात चौकीदार से शुरू हुई थी, भगवान तक का आखिर अटक गई है इस समय। अब ये हालत हो गई कि भगवान भी इनके भक्त बन गए हैं। तब जो है अब ये लोग इस स्तर तक मानसिक गुलाम हो चुके हैं आदेश जी भारतीय जनता बेटा पार्टी के लोग, मोदी जी को बाकायदा भगवान। अब आप लोग बाहर आराम से सत्ता के बाहर रहिए और मोदी जी की मंदिर बनवाते रहिए, और आप पूजा करते रहिए, आप जनता आपको यही काम देने वाली है कि अरे संजय जी, मंदिर वो उनको बनवाइए। सत्ता से बाहर कर रहे हैं, आप सत्ता में आइए तो सही। आप आ रहे आ रहे आ रहे, मैं वही आ रहा, वही पहुंच रहा है, मैं इनकी बात भी तो क्लियर करूं। हाँ आप इनको नहीं टोकते, भारतीय जनता पार्टी जब बोलती तो आप लगातार उनको सुनते रहते हो, लेकिन जब हम लोग बोलते हैं तो आप टोकते हो। सवाल उनसे भी किया करो ना, बीच में जब उल्टा सीधा जो है बयान देते रहते हैं, उल्टे सीधे तो बयान पहली पे ही बात मैं तो टोकता हूँ, अदरवाइज नहीं, मैं मेरी। उनको हाँ टोका। देख लीजिए, अभी भारतीय जनता पार्टी मैंने सुना, बोलिए 9 मिनट तक शुरू से बोले, उसने 1 मिनट नहीं टोका, एक सवाल नहीं पूछा आपने, वो सर रिवाइंड लगातार करके मन की देख बात बोलते रहे। लीजिएगा, हाँ रिवाइंड करके देख लीजिएगा आप। मैं भी सुन रहा था, मैं हालांकि लाइन पे नहीं था लेकिन मैं सुन रहा था, टीवी पे सुन रहा था, बोलिए। क्योंकि वो सुनना बहुत जरूरी होता है बीजेपी वालों को। पहली चीज, आप भी जो है चौकीदार से भगवान पर पहुंच चुके हैं, अब भगवान से ऊपर कहाँ जाएंगे भाई? अब भगवान भी जब इनके भक्त हो चुके हैं तो इनसे ऊपर तो ये जा नहीं सकते। तो आप लोग भक्ति करिए अपने भगवान की, वो छोड़ दीजिए जनता को। जनता जनार्दन समझदार है, जनता देख रही है क्या हो रहा है, कहाँ से कहाँ पे देश को लेके जाके पहुंचा दिया। अभी कह रहे थे हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र सारे वादे पूरे किए थे, जरा महिला बहुत हुआ, महिला पे अत्याचार अबकी बार मोदी सरकार, बहुत हुआ डीजल पेट्रोल की मार अबकी बार मोदी सरकार, बहुत हो गया आपके बेरोजगारी की मार अबकी बार मोदी सरकार, 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपए अकाउंट में, बुलेट ट्रेन चलेगी और आपके हवाई चप्पल वाले उसमें बैठेंगे, ये सारे वादे कहाँ गए? हवाई चप्पल वाले जो है बैठने वाले थे, हम ट्रेनों की हालत इस समय देख लीजिए, इतने एयरपोर्ट बन गए, छोटे 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 एयरपोर्ट चालू करके नंबर देखे संजय जी, एयरपोर्ट में क्या करेंगे, एयरपोर्ट में आम जनता कर रही है, ट्रेवल का डेटा देखेंगे 14 में कितने यात्री ट्रेवल करते थे, अभी कितने कर रहे हैं डेटा देखिए। अरे आप खुद जनता को भ्रमित कर रहे हैं, आप भाजपा प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं, आप किस तरीके से है भ्रमित कर रहे हैं, ट्रेनों में बैठने की जगह नहीं है। अरे जगह देखिए, वंदे भारत को देखिए, बाकी शताब्दी को देखिए, स्टेशन का रिवैम्प देखिए, वंदे भारत की हालत देखिए, आप घाटे में हैं, आपने अरे घाटा मत देखिए, यात्रियों की सुविधा देखिए, आप एक्सपोर्ट देखिए, रेलवे का ट्रांसपोर्ट देखिए, घाटे में करवा रहे हैं आप रेलवे का जो है प्लेटफॉर्म टिकट संजय जो जी, थोड़ा स्टडी करके आएंगे अच्छा रहेगा, टीएमसी प्रवक्ता के बदले आप ऐसा लग रहे हैं कि भाजपा के प्रवक्ता हैं और नेगेटिव बोल के आप भाजपा को ही प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि ये जनता है सब जानती है। अगर आप एक बात करें कि अगर ये 14-4 तारीख के रिजल्ट के बाद ये सारी चीजें आपकी फेल होती है कि आप जनता से माफी मांगेंगे, कभी नहीं मांगेंगे, एक परिवार की एक विचार की अपनी उसको करते हुए। अरे हम लोग परिवार की बात तो छोड़ दीजिए, आप तो भगवान बना चुके हैं, बिल्कुल है, हर में ब्रह्म है, आप में भी ब्रह्म है, वो मुझ में भी ब्रह्म है, भगवत गीता पढ़िए, धर्म का ध्यान नहीं होना, सनातन का विरोध करना, राम मंदिर का विरोध करना, मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते करते ओबीसी का SC ST का हक खा जाना, जिस तरह से आप लोगों ने काम किया है, आपने देश को बर्बाद किया है, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति के लिए आप सनातन का विरोध कर रहे हैं। प्रकाश जी सुन लीजिए, उसके बाद रिप्लाई कर लीजिए। आपको होते ठेकेदार हैं आप लोग, सनातन के ठेकेदार हैं आप लोग, नहीं सनातन 5000 साल से था, अगले 5000 साल 10000 साल तक सनातन रहेगा, आप ठेकेदार बनने की कोशिश मत करिए, सनातन ठेकेदार नहीं होता, ठेकेदार है सनातनी थे, सनातनी 2014 के पहले भी थे और आप 2014 के पहले पैदा हुए मेरे ख्याल से, 2014 के बाद तो पैदा नहीं हुए ना संजय जी, कोई किसी के सनातन पे सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन एक चीज है हाईकोर्ट जब इस तरीके से कहता है कि आप ओबीसी में 77 जातियों को शामिल कर रहे हैं, तो सवाल तो वहां पूछे जाएंगे ना। आप मोदी जी का जरा गुजरात का मॉडल देख लीजिए, हाँ कितने को 23-23 ओबीसी को जो है मुस्लिम आरक्षण को देकर रखा कि नहीं रखा हुआ है, हाँ। बिहार को देख लीजिए, राजस्थान को देख लीजिए, नहीं क्वेश्चन क्यों नहीं उठेगा, उसको लेकर के कोर्ट जाइए ना, खुद उसको लेकर के कोर्ट जाइए ना सर, मैं सुन दीजिए आ रहा हूँ, अब तो कोर्ट जाएंगे जाएंगे, अब तो कोर्ट जाएंगे, हाँ बिल्कुल, जब इस बात होगी तब तो कोर्ट जाएंगे। पहली जी, मोदी जी खुद ही ओबीसी का आरक्षण खा गए, मोदी जी जो है सवाल थे अपने आप को, इन्होंने ओबीसी में शामिल कराया तो ओबीसी का आरक्षण खा खाया, तो सर फिर भी आप लोग एकजुट नहीं हो रहे हैं। नहीं हम लोग तो एकजुट है, कैसे एकजुट है और कहां, आप ही तो दूरी बना के रखे हैं, कांग्रेस तो आपको बुला ही रही है,
गर्मी से इस समय जिसमें जनता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तो आपको बुला ही रहे हैं, आप ही नहीं जा रहे हैं, पता नहीं अधीर रंजन चौधरी के बयान को दिल से लगा के बैठे हैं। पहली बात ये है कि देखिए, अब आप अधीर रंजन चौधरी की बात उठाई तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि अधीर रंजन चौधरी एक बहुत बड़े कारण है कि जहां पे हम लोगों का एक समझौता नहीं हो पाना। और कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी नहीं, 121 जो कांग्रेस के लोग थे जो इस बीजेपी के टिकट पे लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपने इतना बड़ा समुन्द्र में अपने लोगों को संभाल, तो दूसरे लेवल के जो कार्डर पे जो कांग्रेस के नेता है वो मेरे ख्याल से किस देश के किसी भी दूसरी पार्टी में नहीं। मैं तारीफ कर रहा हूँ इस बात के लिए कि पूरे देश के अंदर कांग्रेस के अपने कार्यकर्ता हैं और दूसरे लेवल के कार्यकर्ता नेता कांग्रेस के पास जितने थे, लेकिन कांग्रेस ने उनको संभाला नहीं। इंडिया गठबंधन की अभी आपने स्वीकार किया ये कारण है कि आपका गठबंधन नहीं हो पा रहा है। नहीं, वो आप सेकेंडरी में चला गया क्योंकि आप नहीं, सेकेंडरी कैसे हो सकता है, सेकेंडरी कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है सर, आप बताइए। अभी भी 57 सीटों पे चुनाव होने बाकी हैं, अभी भी 57 सीटों पे, हमारे यहाँ पे 9 सीटों पे चुनाव होने वाले, हम पहले अपने उसको देखेंगे। हाँ। दूसरी बात ये है, साइक्लोन आपने जिस तरह से देखा होगा, मेरे ख्याल से कल साइक्लोन देखा होगा आपने जी, तो गरीब की झुकी झुपड़ी उड़ गई है। तो रिक्वेस्ट करते खड़गे साहब से कि मीटिंग 4 दिन बाद कर लीजिएगा। नहीं, असल बात क्या है, वो उनको भी देख रहे हैं,